श्री डोंगरे जी महाराज तत्वा श्रामणी आगे लिखते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण का जहाँ पर विश्वामित्र जी का युद्ध यज्ञ हो रहा था वहाँ पर पहरा लगने लगा। राम और लक्ष्मण दोनों दोनों गेटों पर पहरेदार से खड़े हो गए। माता पिता को वंदन कर उनका आशीर्वाद लेकर दोनों भाई सदगुरु की सेवा करने के लिए विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल दिए। विश्वामित्र शब्द का अर्थ करते समय पाणिनि ऋषि ने व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र लिखा, मित्रे च सो विश्वामित्र यस्य स विश्वामित्र है। यहाँ अमित्रम ऐसा पदक्षेप नहीं है, जो जगत का मित्र है उसे ही विश्वामित्र कहते हैं और जो जगत का मित्र है उसके पीछे जगदीश चलते हैं। तुम भी जब जग में मित्र हो जाओगे तो परमात्मा तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम जगत के मित्र बन नहीं हो सको तो कोई बाधा नहीं, परंतु किसी के बेरी मत बनो। विश्वामित्र तुम्हारा जगन मित्र है, जो जगत का मित्र है और जगत का उसका जगत जिसका मित्र है। श्री राम परम ब्रह्म है और लक्ष्मण जी शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म साथ रहे साथ रहेंगे। श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण परम ब्रह्म है और श्री बलराम जी शब्द ब्रह्म है। अकेले राम किसी जगह जाते नहीं और कदाचित जाते हो तो अधिक विराजते नहीं। जहाँ लक्ष्मण जी हो वहीं राम जी विराजते हैं। जहाँ शब्द ब्रह्म है वहीं पर परम ब्रह्म स्थिर होता है। राम लक्ष्मण की जोड़ी है। राम जी श्याम सुंदर है, लक्ष्मण गौर सुंदर है। राम जी पीला पीताम्बर पहनते हैं, लक्ष्मण जी नीला पहनते हैं। राम लक्ष्मण गुरुदेव की सेवा करने के लिए गुरु जी के पीछे पीछे चलते हैं। रास्ते में ताड़का नाम की एक राक्षसी आती है। जंगल में होकर जा रहे थे तो ताड़का भयंकर गर्जना करने लगी। विश्वामित्र जी ने कहा, इस भयंकर जंगल में ये राक्षसी बालकों को ईर्ष्या करती है, तुम इसको मारो। श्री कृष्ण लीला का आरंभ पूतनावध सेवा और राम जी का लीला का आरंभ ताड़कावध सेवा। ताड़का राक्षसी है, वास्तव भी राक्षसी है। वास्तव ऐसी राक्षसी है कि इसको जितना प्राप्त होता है उतना ही उसकी भूख बढ़ती जाती है। ये वास्तव ऐसी राक्षसी है कि ये खिलौने वाले को भी खा जाती है, खिलाने वाले को भी खा जाने के बाद भी इसकी तृप्ति होती नहीं है। अनेक बार मनुष्य ऐसा समझता है कि जीव आँख मन आदि इंद्रियाँ जो जो सुख मांगे वह एक बार में भोग लूँ, बाद में शांति रहेगी। अरे इंद्रियाँ मांगे वो सुख भोगोगे ऐसे तो वासना बढ़ेगी। भोगने के पश्चात ऐसा आभास हो जाता है शांति मिली है, परंतु वह खोटी शांति है। भोग तो उल्टे अशांति बढ़ाते हैं। इन इंद्रियों का बरखाट लाड़ अनेक बार किया फिर भी वासना शांत नहीं हुई। भोग भोगने से वासना शांत नहीं होती। श्री रोगी हो अशक्त हो तो भी वासना शांत नहीं होती। श्री वृद्ध हो जाए फिर भी वासना तृप्त नहीं होती। वासना शांत होती है विवेक से। राम जी को इसको विवेक रूपी बाण से मारते हैं। राम जी का जो धनुष है वह ज्ञान स्वरूप है, विवेक की ही बाण है। धनुष पर आकार थोड़ा ओंकार का जैसा है। श्री रामचंद्र जी धनुष को बाण को सज्जित रखते हैं। तुम भी ज्ञान धनुष को विवेक बाणों से हमेशा सज्जित रखो। राक्षस काम किस समय विघ्न करने आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। राक्षस तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, तुमको मारने आते हैं तुम, परंतु राम जी की तरह तुम भी धनुष बाण को सज्जित रखोगे, ज्ञान विवेक को सज्जित रखोगे तो राक्षस मरेंगे। राक्षस मरेंगे नहीं, मर नहीं गए हैं। राक्षस तो अब भी जीवित है, वो तो सर्वत्र फिरते हैं। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सब राक्षस है। ये असावधान जीव को मारते हैं। प्रतिक्षण तो सज्जित रहता है, सावधान रहता है, उसको राक्षस मार नहीं सकते। प्रभु ने ताड़का का वध किया। ताड़का पूर्व जन्म की यक्षिणी है। वह अगस्त ऋषि की त्रास देने लगी तो ऋषि ने उसे श्राप दे दिया और वह राक्षसी हो गई। रघुनाथ जी ने ताड़का का उद्धार किया। तत्पश्चात श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे। श्री राम लक्ष्मण का दर्शन करके ऋषियों का आनंद हुआ। ऋषि कुमारों को श्री लक्ष्मण का प्रेम हुआ। श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव अब हम आप यज्ञ आरंभ कीजिए। सुंदर मंडप की रचना की गई। यज्ञ मंडप के द्वार पर श्री राम और लक्ष्मण द्वार पर बाण चलाकर खड़े हो गए। 16 वर्ष के राम और लक्ष्मण बहुत सुंदर दिखते थे। श्री रघुनाथ जी का मुख सुंदर है, आँख रम्य है, वक्ष स्थाल है, बल छाती में होता है। वक्ष जिसका विशाल होता है बल बहुत होता है। राम जी का हाथ घुटने को स्पर्श करता है। श्री राम अजान बहु है। हाथ का घुटने तक स्पर्श करना महायोगी और अति भाग्यशाली का लक्षण है। कदाचित उनको लगता होगा कि हमारा हाथ भी घुटने से लगता है। अरे बैठे बैठे घुटने को हाथ लगे उसका कुछ अर्थ नहीं है। खड़े होने पर हाथ घुटने को स्पर्श करे तो महायोगी का महाभाग्यशाली का लक्षण है। श्री राम जी का हाथ बहुत लंबा है। एक वैष्णव ने राम जी से पूछा कि महाराज आपका हाथ इतना लंबा क्यों है। राम जी ने कहा, मेरे भक्त दर्शन करने आते हैं, उन सब से एक ही से मिलने
की मेरी बहुत इच्छा होती है, मैंने हाथ इसलिए लंबे कर रखे हैं यदि मेरा कोई भक्त बहुत मोटा हो तो उसको संपूर्ण रूप से उस भुजा पर ही मैं लेकर संपूर्ण आलिंगन देश को। श्री राम बहुत भोले हैं, अच्छे सरल है, प्रेम की मूर्ति है। राम जी कैसे दयालु है कि रीछ और बांदरों से मिलते हैं, रीछ बांदरों के साथ भी प्रेम करते हैं। श्री राम जी यज्ञ मंडप द्वार पर खड़े हैं, अधिकतर मंदिर में ठाकुर जी खड़े ही रहते हैं। यदि तुम द्वारका जाओ तो देखोगे कि द्वारकानाथ खड़े हैं। तुम पंडरपुर गए हो, पंडरपुर में श्री विठलनाथ जी महाराज भी खड़े हैं। पंडरपुर में विश्वनाथ जी का स्वरूप ऐसा हो सौम्य और मंगलमय है कि दर्शन करते समय ऐसा लगता है खड़े रहकर प्रभु जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी का श्री अंग तो बहुत ही कोमल है, फिर भी वे दिवस भर खड़े रहते हैं। इनमें से केवल इनको कोमल चरणों को कितना परिश्रम होता होगा, तुमको कोई एक घंटा खड़ा रहे तो बाल तुम्हारी क्या दशा हो। श्रीनाथ जी द्वारा में श्रीनाथ जी बाबा भी खड़े हैं। तुम आंध्र प्रदेश में जाओ तो वहाँ भी श्री बालाजी महाराज खड़े हैं। परमात्मा जगत को बोध देते हैं कि अपने भक्तों के मिलने के लिए मैं आतुर होकर खड़ा हूँ। श्री राम तो जीव मात्र के मिलने के लिए आतुर है, परंतु ये जीव भी अभागा है कि जीव को किसी दिन ऐसी इच्छा होती नहीं कि मुझे परमात्मा से मिलना है। इस शरीर के मिलने से सुख नहीं, अरे शरीर के मिलने से तो ही सुख होता है, तो मुर्दे के मिलने से ही क्यों सुख होता नहीं। मुर्दे के भी हाथ है, पग है, मुँह है, आँख है, सभी है, दो प्रकार के मिलन से सुख होता है नहीं, परंतु दो प्राण एक साथ होते हैं इससे आनंद जैसा लगता है। जीव मिलते हैं और इससे सुख होता है, दो जीव मिलने से सुख होता है तो जीव ईश्वर मिले तब जीव को कैसा आनंद होगा। ईश्वर में समस्त जीव सूक्ष्म लक्षणों से रमते हैं, समस्त जीवों से एक साथ मिलने में कितना आनंद में आएगा। अहिल्या का उद्धार करके आगे कथा मैं आपको जब तक सुनाऊं तब तक के लिए जय सियाराम।